ऑफिस से फ्री हुआ फहद पेट्स क्लिनिक DHA फेज 6 में चला गया। वहां पहुंचा तो डॉक्टर फहद नमाज पढ़ने गए हुए थे। वहां कैट्स आई हुई थी, इनके साथ टाइम स्पेंड किया, इनके बारे में कुछ बातें कंपाउंडर से की, इनकी खुराक से मुतल्लिक वगैरह। फिर ऑफिस में बैठकर डॉक्टर साहब का वेट किया। वहां पड़ी हुई एक डॉक्टरी की किताब को पढ़ने की बजाय इस पर बनी हुई तस्वीरें देखी। डॉक्टर साहब कुछ लंबी ही नमाज पढ़ने लग पड़े। डॉक्टर साहब का वेट फिर गाड़ी में बैठकर किया और साथ रेडियो पर नाच सुनी। फिर कुछ देर के बाद डॉक्टर फहद और डॉक्टर हाशिम आ गए। डॉक्टर हाशिम ने आते ही एक केस आया हुआ था, इसे ट्रीट किया। इन्होंने बताया कि मोस्टली कैट 62 डेज के बाद बेबीज देती हैं, लेकिन इस कैट ने 42 डेज में दे दिए थे बेबीज, जिसकी वजह से बेबीज की डेथ हो गई थी। बातों में ही वक्त का पता नहीं चला, अफ्तारी का टाइम हो गया। डॉक्टर फहद ने अपने क्लिनिक स्टाफ के साथ अफ्तारी की। फिर नमाज पढ़ने करीबी मस्जिद चले गए। नमाज से फ्री होकर मैंने कुछ देर चहलकदमी की। दोबारा कुछ देर के बाद क्लिनिक आ गया। डॉक्टर फहद से तफसीली गुफ्तगू की, कुछ सवालात जो मेरे जहन में थे इनके तफसीली जवाबात लिए। फिर केक और चाय से तवाज़ो हुई।
एंड पर डॉक्टर साहब से इजाज़त ली और इनका शुक्रिया अदा किया और घर की राह ली। फहद पेट्स क्लिनिक का मुकम्मल एड्रेस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।